अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग लेके आए हैं लाइफ एंड फूड पे 360 कैमरा की न्यूज़। और जैसा कि आप लोग ने टाइटल में ऑलरेडी पढ़ लिया रहेगा, ये जो है कैमरा उसका नाम है QooCam और ये है कंडाओ की तरफ से। शायद प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा गलत भी हो सकता है, लेकिन कंपनी है कंडाओ, ये प्रोफेशनल 360 कैमराज बनाती है और अब ये लोग कंज्यूमर ग्रेड में आना चाहते हैं। और इन लोगों ने जो ये टेक्नोलॉजी और जो उनकी जो प्रोफेशनल कैमराज बनाते थे उससे हटके इन लोगों ने कुछ और बनाने का ट्राई किया है। इसके अंदर आप लोग 360 वीडियोस और फोटोज के साथ साथ 3D फोटोज और वीडियोस खींच सकते हैं। कहने का मतलब ये है, इट इज एज रोटेटेबल फ्रॉम 360 टू 3D कैमरा। इसके अंदर 3 लेंसेज लगे हुए हैं ताकि आप जो आगे के 2 कैमरा है उससे आप 3D निकाल सकें, और पीछे से जो एक कैमरा है और आगे का एक कैमरा है उससे आप 360 वीडियोज निकाल सकें। तो ये जो कैमरा है वो काफ़ी कंज्यूमर प्राइस में आने वाला है। मैं जैसा कि मैंने कहा तो अराउंड 400 बिटवीन 300 टू 400 डॉलर्स के बीच में आ जाएगा, यानी अप्रॉक्सीमेटली आप लोगों को 25,000 से 30,000 के बीच में ही आ जाएगा। आप लोग सोच रहे हैं यार काफ़ी महंगा है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी ये लोग यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से ये काफ़ी सस्ता है। और आज मेन चीज़ ये है कि इसके अंदर मैं आप लोगों को जो फीचर्स हैं वो दिखाना चाहता हूँ और जो बताना चाहता हूँ वो मेरे फेवरेट्स हैं। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं इस कैमरे में, लेकिन मेरे फेवरेट में से ये है कि आप लोग को पहले शूट करके आप बाद में फोकस कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कैमरेज हैं लेकिन इसके अंदर काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है कि आप जिसके ऊपर आप जो फोकस करना चाहते हो उसको आप बाद में भी कर सकते हो। बाकी कैमराज में हम लोग को एडोबी प्रीमियर या जो भी आपका सॉफ्टवेयर है उसमें जाके आपको एडिटिंग करना पड़ता है, और वो भी फोकस सिर्फ आपका कैमरा एंगल पे चेंज होता है कहाँ पर आपको फोकस करना है। यहाँ पर आप पूरा सब्जेक्ट के ऊपर फोकस कर सकते हो जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो ये आप 360 में भी कर सकते हो और जो 3D शूट करोगे आप उसमें भी कर सकते हो। तो शूट फर्स्ट एंड फोकस लेटर, ये बहुत सही फीचर है। उसके अलावा इसके अंदर जो दूसरा फीचर है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो है बैकग्राउंड रिप्लेसमेंट। अब ये फीचर मैंने ज़्यादा देखा नहीं है, एक ही वीडियो था जो 360 रूमर्स ने जब विजिट किया था एक एक्सपो को, वहाँ पर उन्होंने बताया था कि बैकग्राउंड रिप्लेसमेंट कैसे होता है। तो बेसिकली आप किसी कोई फोटो लिया है और आपने फोकस किया है सब्जेक्ट के ऊपर, उसका बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हो, यानी कि अब जो मेरे पीछे है मैं उसको हटा के मैं कुछ और फोकस में लेके आ सकता हूँ, कुछ और बैकग्राउंड लेके आ सकता हूँ। तो ये बहुत ही अमेजिंग है जो नॉर्मली 360 कैमराज या 3D कैमराज में नहीं अवेलेबल है। तो ये टेक्नोलॉजी जो भी उन्होंने यूज़ किया है वो बहुत सही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है फीचर। अब ये कैसे वर्क करेगा, कैसे काम करता है, ये मैं आप लोगों को बाद में आगे चल के जब मेरे पास कैमरा आएगा मैं तब आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद में जो अगला फीचर है जो मुझे बहुत और अच्छा लगता है वो ये है कि आप टाइम-लैप्स वीडियो ले सकते हो। अब आप सोचेंगे यार टाइम-लैप्स तो कोई भी ले लेता है 360 कैमरा, जी हाँ, लेकिन इसके साथ साथ आप 3D 180 VR में भी टाइम लैप्स ले सकते हो। मेन वो है कि आप 3D 180 में भी टाइम लैप्स ले सकते हो। और इसके अंदर मेन जो चीज़ है जो मैं ढूंढ रहा हूँ काफ़ी टाइम से ढूंढ रहा हूँ सस्ते में अच्छे कैमरे के अंदर जहाँ पर आपको स्टेबलाइजेशन मिले, वो इसके अंदर है। आपको स्टेबलाइजेशन नॉर्मल इमेज स्टेबलाइजेशन है, आपको वीडियो स्टेबलाइजेशन है, और फॉरवर्ड फेसिंग स्टेबलाइजेशन भी इसके अंदर है। यानी कि जो कैमरा जैसे राइलो हो गया, गोप्रो फ्यूजन हो गया, इनके अंदर ये फॉरवर्ड फेसिंग स्टेबलाइजेशन है जिससे काफ़ी स्मूथ आपका वीडियो शूट होता है 360 या 3D। तो उस वजह से आप लोगों को बहुत ही अच्छे अमेजिंग वीडियोस आप निकाल सकते हो, और स्पेशली 3D में आप लोगों को ये निकालने मिलेगा तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। तो ये कुछ फीचर्स थे, ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं, देर आर लॉट्स मोर फीचर्स इन दिस कैमरा, लेकिन मैं फ़िलहाल के लिए सिर्फ इतना ही बता रहा था क्योंकि मैं इसकी अनबॉक्सिंग जब करूँगा उसके बाद जब इसके रिव्यूज़ करूँगा उसके सारे फीचर्स और किस तरीके से काम करते हैं वो पूरा डिटेल एनालिसिस मैं आप लोगों को दूंगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए आप लोगों को बता दूँ कि ये जो कैमरा है किकस्टार्टर पर अवेलेबल है, आप लोग चाहें तो इसको या तो प्रोजेक्ट को बैकअप करें या फिर परचेस कर लें इसको अर्ली प्राइस में, क्योंकि ये अभी फ़िलहाल $299 में अवेलेबल है, लेकिन हो सकता है आगे जाके ये $399 में अवेलेबल होगा। तो आपको $100 का डिफरेंस आ रहा है, तो अभी बैकअप कर लीजिए
और जितने ज्यादा बैकअप होंगे उतने ज्यादा और भी फीचर्स इसके अंदर अनलॉक करने जा रहे हैं। तो जितना जल्दी जितना ज्यादा बैकअप्स होंगे प्रोजेक्ट में उतने जल्दी ज्यादा फीचर्स अनलॉक होंगे। तो जिन लोगों ने 360 कैमरा अभी तक नहीं लिया है और लेने की सोच रहे हैं तो प्लीज कुछ और ना ले, ये कैमरा ले, ये मेरा सजेशन है और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ इसमें वीडियोस के रिलेटेड एटलीस्ट आप लोगों को बहुत अच्छी मिलेगी, वीडियो क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी। फोटो रेजोल्यूशन का थोड़ा सा मुझे डाउट नहीं है कि अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन इसके फोटो रेजोल्यूशन जो है वो काफ़ी लो एंड पर है, यानी कि जो नॉर्मल 360 कैमराज है वो 6K के फोटोज दे रहे हैं, ये जो है थोड़ा 4K के फोटोज दे रहे हैं। तो फिलहाल इतना ही कहना चाहूँगा इसके बारे में। किकस्टार्टर की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसके वेबसाइट के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, प्लीज जाइए विजिट करें। अगर कैमरा आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज उसे बैकअप करें और मुझे पूरे यकीन है आप लोगों को जरूर अच्छा लगेगा। फिलहाल के लिए लाइफ एंड फूड को सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को आगे शेयर करें। शब्बा खैर।